तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट आरजीबी गेमिंग कैबिनेट्स के बारे में, जो आते हैं एक अंडर 5000 रुपीज़ की रेंज में। यहाँ पे दोस्तों तीन ऐसे गेमिंग कैबिनेट हैं जिसको आपको एक बार चेकआउट करना चाहिए, एक अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्डअप करने जा रहे हैं तो। प्रॉपर आपको यहाँ पे एयर फ्लो देखने को मिलता है, यानी कि हीट डेसिपेशन आपको बहुत बढ़िया मिलता है, जिसके चलते आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। और फिर आपको साथ में केबल मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया जाता है, चाहे मैं बात करूँ PSU की, या फिर हो SSD, और या फिर हो HDDs हो। और साइड में आपको एक मिलता है ट्रांसपेरेंट पैनल, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे RGB फैंस के साथ में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन से ऐसे तीन RGB कैबिनेट्स हैं जो कि आपको इस प्राइस सेगमेंट के अंदर एक बार जाके चेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास में है एंट एस्पोर्ट ICE 200TG एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। और दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि जब भी हम एक गेमिंग कैबिनेट परचेस करते हैं तो वहाँ पे एयर फ्लो जो है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि आपका जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो हीटअप नहीं हो और आपको जो है एफिशिएंसी फुल मिले। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फ्रंट में एक मैश प्रोवाइड हो जाता है, साइड में आपको होलो ग्रिल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसके चलते एयर इनटेक बहुत बढ़िया तरीके से होता है। और बैक में आपको एक ARGB फैन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है एंट स्पॉट की तरफ से, तो जिसके चलते एयर जो है वो आउटफ्लो हो जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। और साइड में आपको एक ट्रांसपेरेंट पैनल दे दिया जाता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यार अगर मैं इसके ओवरऑल लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ आपसे, तो काफ़ी बढ़िया लुक और डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो एक मेरे को एक ऑप्शनल के रूप में आप लोगों से अगर मैं बताऊँ, तो यार यहाँ पे जो एक मिलता है आपको, एक तो USB 3.1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में आप SD और TF कार्ड को भी डायरेक्टली लगा सकते हो, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यार बिल्ट और डिज़ाइन क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सॉलिड डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ग्लॉसी फिनिश के साथ में। और यार सबसे अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे ऊपर में मैग्नेटिक डस्ट कवर भी मिल जाता है, तो यानी कि आप इसको बहुत आसानी से क्लीन भी कर सकते हो। और यार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपको मिलता है एक फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड एयर फ्लो, यानी कि आप यहाँ पे लगा सकते हो 120 mm के तीन फैन फ्रंट के अंदर, और या फिर आपसे अगर मैं बात करूं कि आप यहाँ पे 360 mm का एक रेडिएटर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, और टॉप की बात करूं तो आप यहाँ पे 240 mm तक का रेडिएटर लगा सकते हो, तो ये काफी अच्छी चीज है। और रेयर में आपको एक प्री इंस्टॉल्ड RGB फैन देखने को मिल जाता है। बाकी यार केबल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको बहुत बढ़िया मिलती है, एक हाउसिंग PSU के लिए आपको एक डेडिकेटेडली एक हाउसिंग मिल जाती है, तो जिसके चलते आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से अपने PSU को भी मैनेज कर सकते हो, और साथ साथ में केबल्स को भी आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाओगे। और यहाँ पे अगर मैं हार्ड डिस्क के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे दो हार्ड डिस्क लगा सकते हो 3.5 इंच की, ये काफी बढ़िया चीज़ है, और दो हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो SSD 2.5 इंच की। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस प्राइस सेगमेंट में, यानी कि 2500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ तक के बीच में, एक बेस्ट गेमिंग RGB कैबिनेट है जिसमें आपको फुल फंक्शनल इंटरफेस आपको टॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यार बाकी आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिल ही जाती है कि आपको मैग्नेटिक डस्ट कवर वगैरह, डेडिकेटेड यानी कि स्लाइडिंग बेज आपको मिल जाते हैं SSD और HDD को रखने के लिए, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको प्रॉपर केबल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक यार अगर आपका बजट है 2500 या 3000 रुपीज़ के बीच में, तो ये कैबिनेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास में एक बार फिर से है एंट की तरफ से एंट एस्पोर्ट ICE 300TG एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कैबिनेट है काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं चार 120 mm के प्री इंस्टॉल्ड फैंस, यानी कि तीन फैंस जो है वो आपको रेनबो लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ मिलते हैं, और एक फैन जो है आपको बैक साइड में नॉर्मल 120 mm का देखने को मिल जाता है। और बाकी यार अगर इसकी भी बिल्ट और डिज़ाइन क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत बढ़िया ग्लॉसी फिनिश के साथ में ये आता है, और आपको यहाँ पे प्रॉपर एयर फ्लो देखने को मिल जाता है, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको टॉप के अंदर USB 3.0 मिल जाएगा, और एक आपको मिल जाएगा USB 2.0 का सपोर्ट। बाकी यार अगर बिल्ट और डिज़ाइन क्वालिटी की बात करें तो बहुत बढ़िया बिल्ट और डिज़ाइन क्वालिटी मिलती है, साइड में आपको ट्रांसपेरेंट पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, एक डेडिकेटेडली एयर फ्लो के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा PSU माउंटेड स्टोरेज, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और यार स्पेस इन कैबिनेट्स में काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यार सेम जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पे भी, यहाँ पे आप अगर इन फैंस के जगह पे अगर आप अपना कोई रेडिएटर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट टॉप में अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आप 240 mm तक का रेडिएटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
और यहाँ पे आप बॉटम में भी 240 mm तक का आप रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यानी कि आपको ओवरऑल जो एफिशिएंसी मिलती है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है और प्रॉपर हीट डेसिपेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। दो आप HDD लगा सकते हो 3.5 इंच की और दो SSD लगा सकते हो 2.5 इंच की। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब एक इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है कि एयर फ्लो को बहुत बढ़िया तरीके से ये मैनेज करता है, यानी कि इनटेक बहुत बढ़िया करता है, आउट भी आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा। बाकी यार फंक्शनल इंटरफेस आपको एक तरह से नॉर्मल आप लोगों को सभी चीज़ देखने को मिल जाती है एक, बट यार एक 3,500 रुपीज़ के आसपास अगर आपको एक ऐसा गेमिंग कैबिनेट चाहिए जिसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिले, आपको अलग से लगाना नहीं पड़े, तो आई थिंक ये कैबिनेट आप लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और अब दोस्तों हमारे पास में है एक और एंट की तरफ से ICE511MT एक मिड टावर मैश गेमिंग कैबिनेट, जो कि एक काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है। यानी कि अगर आपका एक बजट है 4,000 रुपीज़ और आपको अगर एक ऐसा कैबिनेट देख रहे हो कि जिसमें आपको एक बहुत एक तरह से पावरफुल कैबिनेट आपको मिले, तो ये आई थिंक गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बहुत से अलग अलग फायदे हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़ आपको जो मैश मिलता है उसके अंदर में आपको जो एयर इनटेक है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है, और इनफैक्ट आप इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो और क्लीन इजी टू क्लीन है। और साइड में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल मिल जाता है जो कि एक स्लाइडिंग के रूप में आपको ये बाहर आता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपको बोल्ट्स का सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता और चार प्री इंस्टॉल्ड 120 mm के फैंस आपको यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यार बिल्ट डिज़ाइन क्वालिटी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया बिल्ट डिज़ाइन क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, एक तरह से डिसेंट मैं कहूँगा कि एक इस प्राइस सेगमेंट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। बाकी यार अगर इसके इंटरफेस को अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से ही प्रॉपर आपको मैश मिलता है, मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे बहुत केबल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है, और आपको मैग्नेटिक डस्ट कवर भी आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा, तो जिसके चलते आप अपने कैबिनेट को बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड ऑफ गेमिंग, और डेफिनेटली दोस्तों ये जो कैबिनेट है गॉड ऑफ गेमिंग है अपने इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, और प्रॉपर एयर कूलिंग, प्रॉपर आपको यहाँ पे स्टोरेज वगैरह आपको बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपेंशन स्लॉट्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको 7+2 एक्सपेंशन स्लॉट्स मिल जाते हैं, और वर्टिकल VGA कार्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपको वर्टिकल करके अगर अपने को आपको अगर ग्राफिक कार्ड लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप लिक्विड कूलिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, यानी कि फ्रंट में आप 360 mm तक की कूलिंग लगा सकते हो, और अगर मैं टॉप की बात करूँ तो आप यहाँ पे 240 mm तक की कूलिंग को आप इंस्टॉल कर सकते हो। और एयर फ्लो जो है दोस्तों इस कैबिनेट के अंदर आपको बहुत शानदार मिलता है, यानी कि आपको कोई कमी नहीं आती है, आपका जो आपके जो PC के कंपोनेंट्स है काफ़ी ज़्यादा चिल रहते हैं, और आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और दोस्तों यहाँ पे आप चार SSD लगा सकते हो 2.5 इंच की और दो HDD हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो 3.5 इंच की, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी आप लोगों को पता ही है फुल्ली फंक्शनल इंटरफेस आपको टॉप में देखने को मिल जाता है। तो यार ये सब थे दोस्तों हमारे पास में तीन ऐसे गेमिंग कैबिनेट्स जिसको मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करता हूँ कि एक अंडर 4,500 रुपीज़ के आसपास यदि अगर आपको एक ऐसे गेमिंग कैबिनेट्स चाहिए तो ये डेफिनेटली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, और इनफैक्ट अभी तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आप एक गेमिंग कैबिनेट बनाना चाहते हैं और अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यहाँ लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर से जा करके चेक करें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।